लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ज़िना करने वाले पर दुनिया में जो सबसे पहली मुसीबत आती है वो ये है कि उसकी इज्जत और आबरू खत्म हो जाती है। दूसरी मुसीबत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तंगदस्ती पैदा हो जाती है, उसकी रोजी से बरकत छीन ली जाती है, वो तंगदस्ती का शिकार हो जाता है। याद रखें, रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में लिया है, वो जिसे चाहे जितना अता फरमाए। जब उसके हबीब ने कह दिया कि ज़िना करने की वजह से तंगदस्ती पैदा होती है, यकीनन ज़िना की वजह से आदमी कल्लाश हो जाता है। आपने सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे नौजवानों को देखा होगा जिनके बाप कमा कर बहुत कुछ छोड़ करके गए, लेकिन बच्चे के कदम फिसले, जुए में चला गया, शराब में चला गया, ज़िना के अड्डे पे चला गया। नतीजा ये निकला कि दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर, और कल तक वही देने वाला लेने वाला बनता हुआ दिखाई देता है। वजह सबसे बड़ी यह है कि ज़िना और बदकारी इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचा देती है। मुझे एक बात, मेरे आका ने फरमाया ज़िना तंगदस्ती लाता है। तीसरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि ज़िना की वजह से उम्र से बरकत छीन ली जाती है, उम्र कम हो जाती है। ज़िना उम्र को कम कर देता है। बद किरदारी की बुनियाद पर इंसान की उम्र कम से कम तर होती चली जाती है। ये मदीने के ताजदार का फरमान है। ये तो दुनिया की तकलीफ हो गई। आज 1000 टॉनिक इस्तेमाल कर लो, आज लंबी उम्र के लिए 1000 हाथ टैबलेट इस्तेमाल कर लो, लेकिन अल्लाह न करे, सद बार न करे, अगर ज़िना के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और अपने आप को ज़िना से आलूदा कर लिया, तो अल्लाह उसकी उम्र से बरकतों को खत्म कर लेता है। ये दुनिया का अदा। अब आखिरत का सुनिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब वो अपने रब से मिलेगा तो अल्लाह उससे नाराज होगा। ज़िना करने वाला भूल जाता है कि उसे एक न एक दिन अल्लाह से मिलना है। मौत बरहक है, मौत से कोई फरार इख्तियार नहीं कर सकता। जब मौत के दरवाजे से गुजर कर मालिके हकीकी की बारगाह में पहुंचेंगे तो मुझे बताओ, अगर वही नाराज है तो फिर हमारा क्या होगा। कुरान कहता है सबसे बड़ी चीज क्या है, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िनाकार जब इस दुनिया से बगैर तौबा किए मर जाए तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह उससे नाराज होगा। दूसरी चीज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, उसका हिसाब सख्त लिया जाएगा। हिसाब, आला हजरत जैसा अजीम मुजद्दिद, जब हिसाब का तस्वुर उनके दिमाग में आता है तो लरस जाते हैं और कहते हैं, करीम अपने कर्म का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। किस में ताकत है मेरे रब को हिसाब देने की, मुझे बताओ। एक सादा हिसाब जब रब को नहीं दे सकते
تو زناکار کا حساب تو سخت سے سخت ہوگا. کس میں طاقت ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر سخت حساب کا مقابلہ کرنے کی؟ تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوگا. اور ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زانی کی بدبو سے دوسرے لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے، اس کے بدن سے ایسی بدبو آتی. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سب سے بدترین جرم گناہ زنا ہے، زنا ہے.